फॉर यू जस्ट बॉर्न किड्स चॉइस। एआर के गिरी सिल्क एंड सारी। असदुद्दीन ओवैसी को लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोकसभा। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। AIMIM प्रेसिडेंट हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी को मंगलवार 14 मार्च 2023 को दिल्ली में रखे गए पार्लियामेंट्री अवार्ड प्रोग्राम में बेस्ट कैटेगरी संसद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों दिया गया। बेस्ट पार्लियामेंट्री ऑफ ईयर लोकसभा अवार्ड असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया। श्री असदुद्दीन ओवैसी देश के हर एक कोने में अपनी अलग पहचान रखने वाले ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। संसद से न्यूज चैनलों तक ओवैसी जब अपने तर्कों और शर्तों पर बोलते हैं तो उन्हें सुनना बेहद दिलचस्प होता है। पेशे से वकील और क्रिकेट के शौकीन ओवैसी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी की पहुंच भी देश के कई राज्यों में है। संसद में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए हम उन्हें लोकसभा कैटेगरी में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित कर बेहद गौरवान्वित। आईलाइट इंडस्ट्री AAC ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट। हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटी। सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फर्नीचर। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स 4th एडिशन, द फर्स्ट इज बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर एज मेंबर ऑफ लोकसभा। जिनके लिए खबरों में रहना बहुत सामान्य बात है, कभी ये खुद खबर में होते हैं तो कभी खबर इनकी वजह से होती है। श्री असदुद्दीन ओवैसी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2022 मेंबर ऑफ द लोकसभा। असदुद्दीन ओवैसी ने अवार्ड हासिल कर सभी का शुक्रिया अदा किया और बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट तौर पर काम करती है और लोकसभा और राज्यसभा आजाद रहेगी, ये दोनों इस तरह अपना काम जारी रखेंगे। द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस के जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं लोकमत के तमाम दरदार बादरस का और ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह का अवार्ड का फंक्शन आप इन्हें खाद अमल में ला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वतन अजीज़ में आज सबसे बड़ा ख़तरा अगर किसी चीज़ को है तो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को है और उम्मीद करते हैं कि ये ऐवान, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो अपनी आज़ादगी को बरकरार रखेगा और मुझे उम्मीद है कि हम पार्लियामेंटेरियन अपनी इस ऐवान की आज़ादगी को बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई ओवैसी साहब।